हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे देखिए, ये हमारे हम भिंडी का पौधा है और ये काफ़ी अच्छे बड़े भी हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, बहुत सारी भिंडी भी आ रही है। तो आज मैं इसी के बारे में बताने जा रही हूँ कि इसके केयर हमें कैसे करनी है। और आज थोड़ी सी भिंडी भी हार्वेस्ट करने वाले हैं। तो ये देखिए, जब पत्ते बहुत बड़े बड़े हो जाए और ज़्यादा पत्ते हो जाए, तो सबसे पहला काम करें कि थोड़ा सा पत्ते, जैसे मैं काट रही हूँ वैसे काट दें। पत्तों को काटने से क्या होगा कि पौधे जो एनर्जी वेस्ट करते हैं पत्तों में, वो कम हो जाएगी, तो फल बनाने में लगा देंगे अपनी एनर्जी। और दूसरी चीज़ ये है कि पत्तों से ही फंगस होते हैं और इसमें भिंडी के पौधे पे मेली बग्स का बहुत अटैक होता है। तो थोड़ा सा पत्ते अगर कम कर देंगे तो इससे थोड़ा कम होगा इसका खतरा। और दूसरी बात है कि देखिए, पत्ते जब ज़्यादा हो जाते हैं तो जड़ों तक धूप नहीं पहुंच पाती है। तो थोड़ा सा पत्ते कम करेंगे तो देखिएगा कि धूप भी जड़ों तक जा रही है, क्योंकि अब मौसम भी बदला हुआ है, बारिश हो रही है, बहुत कम ही धूप लगता है। और भिंडी के पौधे को धूप चाहिए, ये धूप जितना मिलेगा उतना अच्छे से ग्रो करते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने काट लिया और देखिए इतना सारा पत्ता हमने काटा है। तो इसे भी मैं यूज़ कर लूँगी, इसे थोड़ा सुखा कर चूर देती हूँ और इसे मिट्टी के साथ ही मिला देती हूँ, तो ये खाद भी बन जाते हैं और अच्छे भी हो जाते हैं। और अब देखिए, हम थोड़ा हार्वेस्ट करेंगे भिंडी। तो थोड़ा बहुत हमारा भिंडी हो भी गया है। और इससे पहले मैंने एक भिंडी तोड़ा था एक दिन, और ये दूसरी बार मैं तोड़ रही हूँ। तो ये देखिए, एक साथ तो इतना ज़्यादा नहीं होते हैं, 5-7 ही भिंडी डेली टूटते हैं, मगर एक दिन में बहुत ज़्यादा नहीं निकलते हैं। और अभी मौसम भी बारिश का है, ये गर्मियों में ज़्यादा होते हैं और अच्छे बड़े भी होते हैं और जल्दी ग्रो भी होते हैं, और ये बारिश में थोड़ा कम हो जाते हैं। तो ये देखिए, हमने बहुत सारा काटा है, देखिए इतना निकला है आज। और फिर मैं एक दो दिन बाद, जब जब इसमें होते हैं तो 2-3 दिन मैं काटती हूँ। और ये देखिए, ये दूसरे दिन, 2 दिन के बाद मैं फिर काटने आई हूँ भिंडी, और ये वही भिंडी है जो मैंने उस दिन काटा था। तो आज मैं फिर से इसे थोड़ा सा इसमें मिला दूँगी काट कर। तो ये देखिए, फिर से मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ। तो 3 दिन जब मैं तोड़ती हूँ तो 1 दिन का सब्जी हमारा हो जाता है, लेकिन ये जब तोड़ते हैं तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि घर की भिंडी का तो बात ही अलग है। तो इस तरह से हम तोड़ लेते हैं। और अगर आपके पास थोड़ा सा भी जगह है तो भिंडी ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में, क्योंकि ये बहुत होते बहुत आसानी से है, आप लगा देंगे और थोड़ी थोड़ी खाद डालते रहें। और देखिए, इसमें मैंने जब लगाया था तब खाद डाला था, और 1 दिन बीच में मैंने सिर्फ किचन वेस्ट का खाद डाला था। और देखिए, ये हो रहे हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस पर ध्यान देना है कि इसमें पानी हमेशा डालते रहें। और दूसरी चीज़ ये है कि इस पर थोड़ा धूप लगना चाहिए, ऐसे तो सब्जियों वाले पौधों के लिए धूप ज़रूरी ही है, बिना धूप के तो सब्जियां फलते नहीं हैं, तो इसीलिए धूप का ख्याल रखें इसमें लगे। और खाद हर 15 दिन में, वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट का खाद, या पौधे बड़े हो जाएं तो किचन वेस्ट भी डाल सकते हैं, मैं दिखाऊंगी कभी वो भी कि कैसे मैं डालती हूँ। और ये देखिए, और अभी भी बहुत सारे छोटे छोटे भिंडी लगे हुए हैं। और ये देखिए, इतना सारा हमने हार्वेस्ट कर लिया है। तो कम से कम डेली मैं 4-5-6 तो हर दिन तोड़ती हूँ, तो 3 दिन तोड़ती हूँ तो 1 दिन का सब्जी हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और हो सके तो अपने घरों में भी एक पौधा ज़रूर लगाइएगा। बाय, थैंक यू।